2023 हम सबके लिए बहुत कुछ नया लेकर के आने वाला है, क्योंकि चारों के चारों बड़े ग्रह चेंज होने वाले हैं। 17 जनवरी को शनि अपनी राशि बदलेंगे, मकर राशि से कुंभ राशि में आ जाएंगे, 22 अप्रैल को देव गुरु मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 30 अक्टूबर को राहु और केतु दोनों अपनी राशि बदल लेंगे। राहु मेष राशि से मीन राशि में आ जाएंगे और केतु तुला राशि से कन्या राशि में आ जाएंगे। 22 अप्रैल के बाद बन जाएगा गुरु चांडाल योग, तो वो लोग जो कि गुरु के अभी पद पे है उनको पीड़ा होने वाली है, वो इन्फ्लुएंसर जो कि उस पद पे है उनको पीड़ा होने वाली है। जिस तरीके से सोने के अंदर से इंप्योरिटीज निकालने के लिए उसे जलाया जाता आग में, वैसे ही लोगों को भी तपना पड़ेगा, एक्चुअल गुरु को भी और जो उनकी आड़ में बहुत कुछ कर रहे हैं उनको भी। और उसके बाद इंप्योरिटीज निकल जाती हैं सोने से, वैसे ही जो एक्चुअल गुरु है उनसे इंप्योरिटीज निकलेगी और जो दूसरे लोग हैं उनके अंदर से उनकी सच्चाई निकल करके आने वाली है। बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है शिक्षा के क्षेत्र में, सीखने सिखाने के संदर्भ में, चाहे किसी भी लेवल पे सीखना हो। आम लोग मजबूत होने वाले हैं, भौतिकता के पीछे भागेंगे और सरकार जो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में लोग उनको ब्लेम कर रहे थे, अब वो बहुत सारे अलग अलग तरीके से अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। शनि पावरफुल है तो आम जनता पावरफुल बनी रहेगी, बिजनेस आने वाला है ज्यादा, लोग जॉब्स की तरफ नहीं जाएंगे, फाइनेंशियल बहुत सारे चेंजेस लेकर के आएगा, आम लोगों को मजबूत करेगा, हमारे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन होंगे।